समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट की तरफ कूच करेंगे। जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो भीलवाड़ा में हल्ला बोल करेंगे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल। इसे लेकर खास तैयारियां वहां पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर जो प्रदर्शनकारी होंगे उनकी ओर से तैयारियां हैं और इसके साथ साथ पुलिस की ओर से भी तैयारियां कर ली गई हैं। राहुल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, आज हल्ला बोल आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का, क्या खास तैयारियां वहां पर? जी प्रियंका, आज नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो भीलवाड़ा पहुंचेंगे और भीलवाड़ा में हल्ला बोल रखा गया है। 10 से 15 हजार लोगों के आने की संभावना बताई जा रही है। प्रशासन और पुलिस इसको लेके हाई अलर्ट मोड पे है। बजरी माफियाओं का जो आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार से बजरी दोहन किया जा रहा है अनैतिक रूप से, उसके खिलाफ हनुमान बेनीवाल आज ये प्रदर्शन करेंगे। सभा की जाएगी, सभा के बाद कलेक्टर की तरफ कूच करेंगे, जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी देंगे और कलेक्टर के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पुलिस इसको लेके पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, अतिरिक्त जाब्ता भी बुला लिया गया है, प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है। कुछ ही समय बाद हनुमान बेनीवाल सभा स्थल पहुंचेंगे। लगातार लोगों का आना भी वहां पे शुरू हो गया है और जब हनुमान बेनीवाल वहां पहुंचेंगे उसके बाद सभा को संबोधित करेंगे, फिर वह कलेक्टर की तरफ कूच करेंगे। जी, और अगर बजरी माफिया पर लगाम लगाने के लिए इस कदर प्रदर्शन करना पड़ रहा है तो ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है और सवाल पुलिस की कार्यशैली पर भी खड़े होते हैं। राहुल, क्या तैयारियां पुलिस की ओर से, क्योंकि आप बता रहे हैं कि भीड़ काफी ज्यादा वहां पर रहने वाली है? जी प्रियंका, प्रतापनगर थाना क्षेत्र में ये मंडी जो मिर्ची मंडी का मैदान है आता है, तो प्रतापनगर एसएचओ अरविंद सिंह चारण ने अतिरिक्त जाब्ता वहाँ पे लगाया है। सीओसीटी वहाँ पहुंचे हैं, एसपी ने स्पेशल दिशा निर्देश भी दिए हैं। कहीं ना कहीं जो बजरी माफियाओं का आतंक भीलवाड़ा में लगातार देखने को मिला है, जिस प्रकार से बेखौफ होकर बजरी माफिया अब बजरी निकालते हैं, अपने ट्रैक्टरों पर निकलते हैं, कई लोग हादसे का शिकार भी हो जाते हैं, कई जगह घटना भी होती है, उसको देखते हुए आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है और थोड़ी देर में ये सभा शुरू हो जाएगी और उसके बाद ये प्रदर्शन किया जाएगा। कलेक्टर की तरफ कूच करेंगे हनुमान बेनीवाल और हनुमान बेनीवाल की जो श्रेणी है बहुत ही एग्रेसिव रही है हमेशा। जिस प्रकार से वो जनता की आवाज उठाते हैं, जिस प्रकार से वो काम करते हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पुलिस पूरे अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल राहुल, जिस कदर बजरी माफिया बेखौफ हो चले, ऐसे में जरूरी है कि जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि इस प्रदर्शन के बाद क्या कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और पाली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मारवाड़ जंक्शन लोलावास मार्ग पर रपट के पास भरे पानी में एक युवक डूब गया। पानी में नहाने के लिए यह शख्स उतरा हुआ था। 20 वर्षीय युवक मुराद खान बताया जा रहा है, जो इस वक्त पानी में डूब चुका है। सूचना पर मारवाड़ तहसीलदार रामलाल मीणा, थानाधिकारी पन्नालाल भी मौके पर पहुंचे हैं। गोताखोरों के द्वारा युवक की तलाश की जा रही है। तो गोताखोर लगे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तमाम बड़े अधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं। 20 वर्षीय युवक बताया जा रहा है, जो नहाने के लिए रपट में उतरा हुआ था और इसी दौरान पानी में डूबा हुआ है। और बड़ी खबर नगर निगम ग्रेटर से मिल रही है, जहां पर 27 जून को नगर निगम ग्रेटर की एक खास बोर्ड बैठक होने वाली है। 27 जून को 11 बजे नगर निगम ग्रेटर की बैठक होगी। मेयर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में ये बोर्ड बैठक आयोजित होगी। वार्ड क्षेत्र में विकास कार्य, सड़कों का पैचवर्क, शमशान घाटों का विकास संबंधी कई मुद्दों पर खास चर्चा की जाएगी। और अगली खबर का रुख करेंगे करौली के हिंडौन सिटी से। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पानी की समस्या को लेकर रोड जाम कर दिया गया है। हिंडौन महवा मार्ग पर ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़कों पर उतर आए हैं और मांग की जा रही है पानी की, से लेकर अब लोगों का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार भी लग गई है। सूचना पर पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा हुआ और लगातार ग्रामीणों से इस मसले पर समझाइश की जा रही है। माहू गांव में पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, जिसे लेकर कई बार शिकायतें दी गई, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं की गई और आखिरकार मजबूर होकर ग्रामीणों को आज सड़कों पर उतरना पड़ा है। इसे लेकर रोड जाम करना पड़ा है। 7 दिन से बता दें कि नलों में पानी नहीं आ रहा है, जिसे लेकर उन्हें परेशानियां हो रही है। लगातार पानी की मांग भी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अब सड़कों पर उतरे हुए सड़क जाम किया है, तो कहीं न कहीं हो सकता है प्रशासन की नींद खुले। अब पुलिस के बड़े अधिकारी भी इस वक्त प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे हुए और आपको बता दें कि इस जाम की वजह से सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है, क्योंकि सड़क को ग्रामीणों ने जाम कर रखा है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में ग्रामीण इस वक्त वहां पर इकट्ठा हुए हैं और वाहनों की कतार भी आप देख पा रहे हैं। धर्मेंद्र शर्मा से योगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट?
मेरी आवाज मिल पा रही है धर्मेंद्र? जी मैम। धर्मेंद्र, पानी को लेकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, ये तो शर्मसार है। कम से कम पहले ही प्रशासन को उनकी मांगों को पूरा कर देना चाहिए था। 7 दिनों से पानी नहीं पहुंच रहा है नलों में, अब क्योंकि लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्या समझाइश की जा रही है वहां पर? देखिए, बताना चाहूंगा, पूरा मामला हिंडौन के महू उपखंड क्षेत्र का है, जहां पर 7 दिनों से नल पे पानी नहीं आने के बाद ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया था, जिसके चलते हिंडौन और महुआ मार्ग जाम हो गया। करीब 2 घंटे के बाद डीएसपी हिंडौन किशोरी लाल, तहसीलदार सहित अन्य लोग मौके पर पहुंचे। साथ ही जो जलदाय विभाग के अधिकारी थे, उन्होंने जल्द से जल्द समस्या समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम खोल दिया गया और यातायात सुचारू हुआ है। साथ ही बताना चाहूंगा, कई बार ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायतें की लेकिन समाधान नहीं हुआ, जिसके चलते उन्हें ये प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा था। जी, अब समझाइश में क्या कहा गया है, कब तक पानी देंगे ये लोग और क्या ग्रामीण मान गए हैं अब? जी देखिए, बिल्कुल अधिकारियों का कहना है कि 1-2 दिन में ही उनकी समस्या का पूरी तरह समाधान कर दिया जाएगा और इसके बाद ग्रामीण सहमत हुए और जाम खोल दिया गया। ठीक है धर्मेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और चूरू के सादुलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बीएसएफ जवान का शव लेने से परिजनों ने इंकार कर दिया है। हार्ट अटैक से जवान सुरेश बेनीवाल की मौत हुई थी। गांव रबूड़ी के सुरेश बेनीवाल के पार्थिव देह उनके पैतृक गांव पहुंचाई गई। बिहार के पटना में बीएसएफ में सुरेश बेनीवाल तैनात थे। परिजनों ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, ड्यूटी के दौरान सुरेश बेनीवाल शहीद हुए हैं, परिजन ये बता रहे हैं। और इसके साथ साथ अधिकारी बता रहे हैं कि बेनीवाल छुट्टी पर थे। अब बड़ा सवाल यह है कि कौन सही बोल रहा है। परिजन कह रहे हैं कि ड्यूटी के दौरान वो शहीद हुए हैं, लेकिन अधिकारियों की ओर से जो बयान सामने आया है उसमें कहा जा रहा है कि जब उनकी मौत हुई तो वो ड्यूटी पर तैनात नहीं थे। और यही मामला है कि इसे लेकर परिजनों ने अब शव लेने से इंकार कर दिया है। मौके पर तहसीलदार, थाना अधिकारी, बीएसएफ के अधिकारी और ग्रामीण भी इकट्ठा हो चुके हैं। उसको ऑन ड्यूटी दिखाया जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं है और उसको ऑन ड्यूटी नहीं दिखाया गया, उसको छुट्टी पर दिखा दिया गया और हालांकि वो छुट्टी पर नहीं था, वो सीओ के घर में था, अपने निजी निवास पर रखा हुआ है। अब आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है उसको ऑन ड्यूटी दिखाया जाए ताकि उसके घर वालों को कुछ बेनिफिट मिले। और एक और बड़ी खबर सीकर से सामने आ रही है, जहां पर छात्र की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज में छात्र की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। कॉलेज के हॉस्टल के बाहर छात्र का शव मिला है। बांसवाड़ा का रहने वाला छात्र हनीमेश बताया जा रहा है। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का ये स्टूडेंट था। छात्र के शरीर पर चोट के भी निशान मिले हैं। सदर थाना पुलिस ने शव को फिलहाल मोर्चरी में रखवा दिया और पूरे मामले पर जांच की जा रही है। तो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट बताया जा रहा है, छात्र जिसका शव मिला है। संदिग्ध अवस्था में शव बरामद किया गया है। फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और इसके बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर छात्र की मौत कैसे हुई है, क्या कोई हादसा है या फिर किसी ने हत्या की है। संदीप कुमार सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या पता चला अब तक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या अब तक सामने आ सकी है, पुलिस क्या कह रही है, कैसे हुई है ये मौत? देखिए बिल्कुल प्रियंका, प्रारंभिक तौर पर चूंकि पुलिस का ये कहना है कि जो डेड बॉडी है उस पर चोट के निशान जरूर हैं, लेकिन चोट के निशान किस तरह से लगे हैं, ये सुसाइड है या मर्डर है या फिर कोई एक्सीडेंट है, उसको लेकर के पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। क्योंकि जो छात्र है वो बांसवाड़ा का रहने वाला है, तो उसके जो परिजन है उनको सूचना दी गई है। परिजनों को बांसवाड़ा से सीकर पहुंचने में समय लगेगा और उसके बाद पोस्टमार्टम जब किया जाएगा, अभी फिलहाल पोस्टमार्टम नहीं किया गया है, तो पोस्टमार्टम किया जाने के बाद ही ये सामने आएगा कि किस तरह की चोट शरीर पर लगी और किस वजह से मौत हुई। तो उसके बाद ही जो पुलिस है वो पूरी जो जांच है उस पे किसी स्थिति पे पहुंच पाएगी। जी बिल्कुल संदीप, ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बेहद अहम हो जाता है, आप नजर बना रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बांसवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, एमजी अस्पताल के पास नाली में एक भ्रूण मिला है। भ्रूण मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। चौकी प्रभारी भी इस वक्त अस्पताल पहुंच चुके हैं। मौके पर भ्रूण को निकलवाया गया और अस्पताल में पहुंचाया गया है। मोचड़ी में इस भ्रूण को रखवाया गया है और अब इस मामले को लेकर जांच की जा रही है कि आखिर यहां पर किसने भ्रूण फेंका है। पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में। तो एक और शर्मसार करने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर
नाली के पास से भ्रूण मिला है। सूचना मिलते ही भ्रूण को अब मोर्चरी में रखवा दिया गया है। उधर राजसमंद जिले में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 23 जून से शुरू होंगे। जिला खेल अधिकारी चांद खा पठान ने बताया कि राजीव गांधी खेल ओलंपिक 29 अगस्त तक चलेंगे। उन्होंने कहा कि जिले के 8 ब्लॉक में 83,300 खिलाड़ियों का पंजीयन हो चुका है। इसमें सबसे ज्यादा पंजीयन भीम ब्लॉक में हुआ है। वहीं शहरी ओलंपिक में राजसमंद, नाथद्वारा, आमेठ, देवगढ़ में सबसे ज्यादा पंजीयन नाथद्वारा से 17,000 का पंजीयन हुआ है और इसे लेकर टीमों का गठन का कार्य भी चल रहा है। 29 अगस्त को खेल दिवस पर जयपुर में राज्य स्तरीय टूर्नामेंट होंगे। सर, ये दोनों ही अलग अलग, एक तो ग्रामीण राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जिसमें अपने 8 ब्लॉकों के अंदर 83,300 के करीबन अपने पंजीयन हो गया है और उसमें सबसे ज़्यादा भीम ब्लॉक में हुआ है और शहरी ओलंपिक में अपने 4 क्षेत्र हैं, नाथद्वारा, राजसमंद, आमेठ और देवगढ़, तो इसमें सबसे ज़्यादा नाथद्वारा में हुआ है। ये 17,000 अपने हो गया। 23 जून से हम इसको स्टार्ट करेंगे। आज से ही हमारे टीमों का गठन का कार्य शुरू हो गया है और मैदान सबसे पहले ग्रामीण के अंदर जो ग्राम पंचायत मुख्यालय पे ये टूर्नामेंट आयोजित होंगे। उधर जैसलमेर में पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को एक साथ क्रिकेट खेलने का सौभाग्य मिलेगा। जेपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया। क्रिकेट के महाकुंभ में जहां 221 टीमें शामिल थीं, जिसमें सावरा ब्रदर्स मोहनगढ़ ने बाजी मारी, क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। तो मंत्री कैलाश चौधरी शामिल हुए, उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर खिलाड़ी भी नाचते गाते नजर आए। सावरा ब्रदर्स मोहनगढ़ ने इस पूरे टूर्नामेंट में बाजी मारी। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो खेलो इंडिया का कार्यक्रम किया और पूरे देश में ये उत्साह हम सब देख रहे हैं और उसी के निमित्त आज यहाँ पर भी जो पवन कुमार सिंह जी है उन्होंने पहल करके और नरेंद्र मोदी जी की जो 9 बेमिसाल रहे उनको ध्यान में रखते हुए और ये कार्यक्रम आयोजित किया और इसमें इस जिले की 221 टीमों ने भाग लिया और इन खिलाड़ियों ने बहुत ही अनुशासन तरीके से खेल को खेला और दर्शकों को ने भी जिसका आनंद लिया और दर्शकों ने भी जिस तरह से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है, निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि इस सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर हमारे जवान हैं, जो युवा हैं, वो आज खेल को भी बढ़ावा दे रहे हैं। जैसलमेर क्रिकेट प्रीमियर लीग का एक ही उद्देश्य था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 9 बेमिसाल जो कार्यकाल रहा है, जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का जो कार्य मोदी जी ने किया है, बहुत सारी लोकप्रिय जो योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, क्योंकि इस समय आजादी का अमृत काल चल रहा है, तो हमको लगा कि इस जो टूर्नामेंट के माध्यम से, युवाओं के माध्यम से मोदी जी की ये योजनाओं को हम अच्छी तरह से प्रचारित और प्रसारित करेंगे और जैसलमेर की प्रतिभाओं का। और रुक करेंगे अगली खबर का। कुछ लोग आपदा में अवसर तलाश कर रहे हैं लेकिन वो लोग इस बात को भूल जाते हैं कि कभी कभी इसमें जान का जोखिम भी होता है। ऐसा ही एक नजारा अजमेर में भी देखने को मिला जहां बीपर जॉय तूफान की वजह से आई बारिश में आना सागर झील को ओवरफ्लो कर दिया। बारिश की वजह से ओवरफ्लो हुए आना सागर झील का पानी तेज बहाव के साथ बाहर निकल रहा है और इस पानी के साथ साथ मछलियां भी झील के बाहर आ रही हैं। इन्हीं मछलियों को पकड़ने के लिए लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं लेकिन यहाँ न तो नगर निगम और न ही प्रशासन का कोई कर्मचारी इन्हें रोकने के लिए मौजूद है। बारिश तो बहुत बढ़िया हुई है 2 के अंदर। एक दिन 5-6 बारिश हुई थी, कल भी बहुत अच्छी बारिश हुई है। उसके चक्कर में यानी सब लोग थाना सागर फुल लबालब हो गया, पानी और फ्लो हो रहा है, पानी और फ्लो होकर नीचे इधर नाले में आ रहा है। अब नाले में कुछ लोग खड़े होके वहाँ पे मछलियाँ पकड़ रहे हैं पैसा कमाने के लिए,
अब इसके चक्कर में कुछ हादसा हो सकता है, जनमान की हानि हो सकती है। हाँ, जिस हिसाब से पानी का इतना बहाव, उसके बीच में आप देखो क्या पोजीशन है, बीच में खड़े हैं बिल्कुल पानी के अंदर, मछलियां पकड़ रहे हैं। तो वहीं अजमेर में लगातार पुराने और जर्जर भवन गिर भी रहे हैं। अजमेर के डिग्गी बाजार इलाके में एक जर्जर भवन ढह गया। गनीमत ये रही कि इस भवन में रहने वाली माँ और बेटी समय रहते भवन से निकलने में कामयाब रहे, जिससे उनकी जान बच गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। वहीं पार्षद ने कहा कि नगर निगम को लगातार जर्जर भवनों के संबंध में शिकायतें दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आधा घंटा पहले गिरी थी, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। पीछे दो जने रहते थे, वो दो जने सेफ निकल गए। पीछे आधी बिल्डिंग जो बची हुई है वो भी गिरने जैसी है, लेकिन वो दो जने रहते थे वो निकल गए। और पहले भी हम नगर निगम को और कईयों को शिकायत कर चुके हैं कि ये इसकी जर्जर हालत है, इसको तोड़ा जाए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सुनी। और आज ये हताहत होने से बच गई और आज ये मकान गिर गया है। लेकिन दो जने रहते थे, लेकिन वो अभी आधी बिल्डिंग गिरी, आधे में रहते जो सेफ निकल गए दो जने। अच्छा, बच गए मतलब? बच गए, अभी कोई हताहत नहीं हुआ है, ना गली में हताहत हुआ है, ना रोड में हताहत हुआ है। खबर कोटा से है, जहां पर दिन दहाड़े चाकूबाजी की वारदात से हड़कंप मच गया। कुन्हाड़ी इलाके में निगम के सफाई कर्मी पर ड्यूटी के दौरान बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। गंभीर घायल सफाई कर्मी को MBS अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। फिलहाल पुलिस ने मामले पर जांच शुरू कर दी है। सेक्टर नंबर 4 पर सफाई कर्मचारी हूं, गवर्नमेंट सर्वेंट। वहां पर ये आए 4-5 गुंडे, जिन्होंने मेरे पर चाकू और सरियों से हमला किया। कौन कौन थे? ये अंकुश था एक, तो मुलाराम का लड़का, और एक सोनू था। ये पार्टी को लेकर झगड़ा चढ़ रहा है, बीजेपी कांग्रेस का। ये काफी पुराना झगड़ा है, ये बैनर लगाने की बात थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बिपरजॉय तूफान की बात कर लेते हैं, जिसके चलते धौलपुर जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से जहां शहर की सड़कों पर पानी भर चुका है, तो वहीं मनिया कस्बे में हरिजन बस्ती में एक मकान के गिर जाने से एक युवक की मौत हो गई। उसमें मौजूद दो महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ये हुआ था, मैं भी सो रही थी, मेरा भाई भी सो रहा था, मेरे भाभी भी और मेरे हस्बैंड भी थे, तो भी अंदर सो रहे थे। तो पता नहीं मकान जान कब का गिर गया उनके ऊपर। एक कुत्ता बैठा था मेरे खाट के पास, उसके ऊपर चीरी गिरी थी, जब मेरी आँख उठी थी, जब मैंने आप पापा को आवाज़ दी थी। आज करीब 4:15 बजे मेरे पास जरिए टेलीफोन सूचना आई कि मनिया में हरिजन बस्ती में एक मकान गिर चुका है, जिस पर मैं अपने जाप्ता के साथ मौके पर पहुंचा। यहां पर एक मकान हरिजन बस्ती में पहुंचा, यहां पर एक मकान गिरा हुआ था, जिसमें से मेरे जाप्ता द्वारा और पड़ोसियों की मदद से घायलों को मलबे में से बाहर निकाला गया और जिन्हें हॉस्पिटल भिजवाया गया और मृतक को मर्चरी में रखवाया गया। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं अलवर में पिछले कई दिनों से हो रही रिमझिम बारिश के चलते बाला किला बफर जोन में घूमने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे, जहां उन्होंने बाला किला वन्य क्षेत्र में सफारी कर बारिश और मौसम का लुत्फ उठाया। बारिश के चलते पर्यटकों को वन्य जीवों की साइटिंग भी देखने को मिली और पर्यटकों ने वन्य जीव को अपने कैमरे में कैद कर लिया। हम तो अलवर के ही हैं, स्कीन वन से आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, वरना यहाँ पे तो पूरी हमें इतनी ग्रीनरी नहीं मिलती, बारिश की वजह से ही पूरी ग्रीनरी दिख रही है हमको। मौसम बहुत अच्छा है और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। छुट्टियों का टाइम है, बच्चों को लेके नानी हाउस आए हुए हैं, बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। गुड़गांव से आए हैं सर, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुहावना मौसम है, बहुत बढ़िया लग रहा है। हम काफी जगह गए, अभी सरिस्का की तरफ जा रहे हैं सफारी के लिए। अलवर के नौगावा से खबर है, जहां पर कस्बे में 2 महीने के अंतराल में कई दुकानों के ताले टूट गए, जिसे लेकर व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया था और इसके बाद पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया और दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी में प्रयुक्त की गई एक बाइक और चोरी का माल भी जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है, जिसमें और भी खुलासे होने की संभावना है।
नौगावा थाने में पिछले कुछ दिनों से लगातार चोरी की वारदातें हो रही, इसको गंभीरता से लेते हुए श्रीमान एसपी साहब अनंत शर्मा, एडिशनल एसपी मैडम सरिता सिंह, सीओ रामगढ़ एवं थानाधिकारी थाना नौगावा श्री अमित जैन प्रोबेशनर आईपीएस के निर्देशन में थाना स्तर पर टीम का गठन किया गया। टीम के गठन के दौरान अलग अलग टीमें बनाई गई। जो थाने में लगातार चोरियां हो रही थी, उन चोरियों का मुख्य आरोपी जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों